नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बीए ऑनर्स करने जा रहे हैं या फिर बीए प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम आप लोगों को सीयूईटी के एग्जाम में देना पड़ेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि दो पार्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। जो सीयूईटी ने हमको पैटर्न दिया था ना, जिसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज स्पेसिफिक अलग करा था और डोमेन स्पेसिफिक अलग करा था, तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है लिस्ट ए, जिसके अंदर आप इन सभी लैंग्वेजेस में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपके पास डोमेन स्पेसिफिक के अंदर B1 और B2। इस बात का ध्यान रखना है आपको डोमेन में वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आप अपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपके पास मार्कशीट में उनका नाम मेंशन है। फाइन, तो ये कोर्स, ये सब्जेक्ट से जो आप चूज कर सकते हैं अपने डोमेन के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बीए प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए में से, यानी इसमें से आपको लेनी होगी एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम B1, यानी कि आपको नीचे वाली लिस्ट में से B1 की लिस्ट में से दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। आपने जो क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं होपफुली उसी में से आप अपना चूज करेंगे, इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे B1 की लिस्ट में से। इसके बाद आपके पास है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। जो थर्ड सेक्शन, थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको ऑप्शन मिला है B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट आप अपना चूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक अल्टरनेट कॉम्बिनेशन और बन के आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है कि आपने ले लिया एक लैंग्वेज, यानी कि कोई भी हिंदी इंग्लिश या फिर कोई भी एक लैंग्वेज आपने चूज कर ली, एक सब्जेक्ट कर लिया B1 और B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लिया आपने। अगेन आपको यहाँ पे देना पड़ गया फिर एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, 8th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें जनरल सेक्शन में, जनरल टेस्ट में पूछी जाती है। तो बीए प्रोग्राम में आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस तरीके से। यहाँ पे अब स्टूडेंट कन्फ्यूज क्या हो जाता है कि यार मैं B1 वाले यानी कॉम्बिनेशन 1 के बेसिस पे अप्लाई करूँ बीए प्रोग्राम के अंदर या फिर कॉम्बिनेशन 2 के बेसिस पे अप्लाई करूँ, क्या मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इस बारे में भी मैं अभी आप लोगों को पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बीए ऑनर्स करने का। ऑनर्स में क्या होता है, आप एक स्पेशलाइज्ड एक सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसके अंदर आप अपना ऑनर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने चूज करा बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो बीए इंग्लिश ऑनर्स का प्रॉपरली जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे आपसे बोला गया कि इंग्लिश आपको लैंग्वेज एक चूज करनी पड़ेगी, दो सब्जेक्ट चूज करने हैं B1 में से और B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सिमिलर है बीए प्रोग्राम से। बीए प्रोग्राम के पहले कॉम्बिनेशन से आप लोगों का जो बीए ऑनर्स का पहला ये जो ऑप्शन आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इसको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने जो लिस्ट आपको दिख रही है ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। आर्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली कोर्सेज के अंदर, अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी क्लास 12th के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बहुत स्ट्रांग पढ़े हैं, तो आप डेफिनेटली अपने डोमेन में से ही सब्जेक्ट को चूज करो और उसके बेसिस पे जाओ, आपको जनरल टेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई है और मेरे जो डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे मेरे को एक अच्छा स्कोर नहीं मिल सकता, देन यू शुड गो फॉर योर जनरल टेस्ट। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि आप लोगों का एक डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी जो आप एक्सेल देख रहे हो ना अपने स्क्रीन में, ये वो कोर्सेज हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है ऑन बेसिस ऑफ जनरल टेस्ट और ऑन बेसिस ऑफ देयर डोमेन। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यानी कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं पर्शियन करूँ, तो पर्शियन के अंदर उसके पास कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा कि उसको एक पर्शियन लैंग्वेज चूज करनी होगी लिस्ट ए में से, दो सब्जेक्ट लेने हैं डोमेन B1 में से और B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है आपका
बीए प्रोग्राम से, ठीक है, बीए प्रोग्राम में भी सेम ये चीज स्टैंड कर सकती है, क्योंकि वहां पे एक बोला गया कि लैंग्वेज चूज करने है, ऐसा नहीं लिखा कि पर्शियन चूज करनी होगी, ठीक है। तो ये सेम कॉम्बिनेशन ऑनर्स का और बीए प्रोग्राम को, आपका कॉम्बिनेशन वन बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के जो कॉम्बिनेशन से बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। आप एक बार में बीए ऑनर्स के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई कर पाओगे और बीए प्रोग्राम के अंदर भी आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन जनरल टेस्ट आपको देना क्यों चाहिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप बीए प्रोग्राम में जा रहे हैं, ठीक है, बीए प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास किस चीज़ का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास बीए ऑनर्स के अंदर भी अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है इसके कॉम्बिनेशन वन से। फाइन, कॉम्बिनेशन वन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या मांगा गया है आपसे, एक आपको लैंग्वेज देना है, प्लस आपको दो डोमेन देने हैं बी वन में से, और बाकी एक आपको देना है डोमेन B1 या फिर B2 में से, ठीक है, B1 या फिर B2 में से। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलते हो तो आप बीए ऑनर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बीए प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके इन डोमेन का जो टेस्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, और आप शायद आगे आने वाले टाइम में आपको लगे कि भाई मेरा स्कोर तो बिल्कुल ठीक नहीं बन सकता, जो मेरा एग्जाम गया अच्छा नहीं गया। अगर आप इसमें अपना एक जनरल टेस्ट भी दे देते हो, ठीक है, जनरल टेस्ट भी अगर आप दे देते हो और आपका लैंग्वेज का टेस्ट जो है बहुत अच्छा चला गया, आपका जनरल टेस्ट का जो एग्जाम है बहुत अच्छा चला गया, तो आपके लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन वन के बेसिस पे ही मेरे पास आना है। आप उनकी जो कॉम्बिनेशन टू की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहे हो इस टाइम पे, यानी कि आप लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है आपके डोमेन से, तो आप इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे भी अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो इन बीए प्रोग्राम। और बाकी आपका जो बीए ऑनर्स है उसमें तो आपका डोमेन ही रहेगा, उसमें बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते जनरल टेस्ट के बेसिस पे। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो तो उसके साथ साथ आपके पास एक स्कोप और बढ़ जाता है, वो स्कोप ये है कि आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं अपने अदर कोर्सेज के अंदर अप्लाई करने के लिए। जैसे जनरल टेस्ट अगर देते हैं आप, तो आपके पास जो ऑप्शन बढ़ जाते हैं यहाँ पे बीए प्रोग्राम के साथ साथ, आप बीए वोकेशनल स्टडीज के अंदर भी अप्लाई कर पाओगे। बीए प्रोग्राम में तो आप अप्लाई कर ही रहे हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म में भी आप अप्लाई कर पाओगे, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में भी आप अप्लाई कर पाओगे, हिंदी पत्रकारिता में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और जनरल टेस्ट दे रहे हो तो। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ये सभी जो लिस्ट आप देख रहे हो ना आपके सामने, आप इन सभी कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आप अगर अपने डोमेन का ही एग्जाम लेके चल रहे हो तो आप बीए ऑनर्स में भी अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट लेके चल रहे हो तो जनरल टेस्ट के स्कोर से आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा बीए प्रोग्राम के अंदर कि आप अपना एक ये चाहते हो कि भाई मेरा डोमेन अच्छा नहीं गया, मेरा जनरल टेस्ट अच्छा चला गया, तो आप उसका स्कोर कंसिडर करवा सकते हो, ये एक बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़े बहुत डाउट जो आपके माइंड में आ रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन, जिसमें हमने काफी डिटेल के अंदर एक टॉपिक को पढ़ाया है। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपके डाउट क्लियर करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।